अमित शाह ने संभाला गृह मंत्रालय का कार्यभार। दोनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार भी रहे मौजूद। अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय का पदभार भी संभाला। लगातार दूसरी बार गृह के साथ सहकारिता मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। गृह मंत्रालय का पदभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे अमित शाह। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का कार्यभार संभाला। 5 साल बाद सरकार में हुई वापसी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों और पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कार्यभार संभालने कृषि मंत्रालय पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। कुर्सी पर बैठने से पहले दफ्तर में की गणेश भगवान की पूजा। पूजा करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का पदभार संभाला। कहा, हमारी सरकार निरंतर 10 सालों से किसान कल्याण के कामों में लगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज बोले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मिलना मेरा सौभाग्य। किसान का कल्याण पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता। साउथ ब्लॉक जाकर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। सुबह 8 बजे ही पहुंच गए थे एस जयशंकर। पदभार संभालने के बाद बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना बेहद सम्मान की बात। पिछले कार्यकाल में मंत्रालय ने किया शानदार प्रदर्शन। एस जयशंकर ने G20 की अध्यक्षता को बताया बड़ी उपलब्धि। कोविड काल में वैक्सीन मैत्री आपूर्ति का भी किया जिक्र। ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी अभियानों को भी बताया महत्वपूर्ण। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। लगातार दूसरी बार मिली रेलवे की जिम्मेदारी। पदभार संभालने के बाद बोले अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में रेलवे में बड़ा सुधार हुआ। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी। रेल मंत्री के बाद अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी देने पर पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का पदभार संभाला। पिछली सरकार में भी पेट्रोलियम मंत्री थे हरदीप पुरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला पदभार। इस बार टेलीकॉम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी। पिछले 10 साल में संचार विभाग में बड़ी क्रांति। उस क्रांति को आगे ले जाने का मौका मुझे देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। संचार मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पदभार संभाला। शहरी विकास मंत्रालय भी खट्टर के पास। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। लगातार दूसरी बार मिला दायित्व। पदभार ग्रहण करने के बाद भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। कहा, फिर से पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर आभार। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संभाला कार्यभार। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन की मिली जिम्मेदारी। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार संभाला। मंत्रालय की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने संभाला पदभार। पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। टेक्सटाइल मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद बोले गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी आती है। आने वाले दिनों में देश के आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला। लगातार दूसरी बार मिला है ये जिम्मा। कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले संजय सेठ। रक्षा मंत्रालय में ही राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। मंत्रालय पहुंचकर चिराग पासवान ने संभाला कार्यभार। मां रीना पासवान भी रही साथ। मोदी सरकार 3.0 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए चिराग। प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। पदभार संभालने के बाद बोले चिराग पासवान, आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का है। ललन सिंह ने पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में पदभार संभाला। जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बने ललन सिंह। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी संभाला मंत्री पद। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए जयंत। किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। अर्जुन राम मेघवाल ने मंत्रालय पहुंचकर संभाला कानून मंत्री का कार्यभार। पिछली सरकार में भी मेघवाल के पास था कानून मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी ने संभाला महिला और बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार। बोली, मैं पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कर्नाटक के धारवाड़ से 5 बार चुने गए सांसद। सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय का पदभार संभाला। पहली बार केंद्र में मिली मंत्री पद की जिम्मेदारी। सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का संभाला पदभार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। पदभार संभालने के बाद बोले सुरेश गोपी, मुझे इस मंत्रालय की उम्मीद नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सुरेश गोपी ने पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का भी संभाला कार्यभार। पेट्रोलियम मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं गोपी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंत्रालय पहुंचकर संभाला कार्यभार। पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं रांची के सांसद संजय सेठ। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने संभाला पदभार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए मुरुगन।
दूसरी बार मुझे इस मंत्रालय में काम करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार। सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद बोले अलमुरुगन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संभाला कार्यभार, इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाए गए शेखावत। पदभार संभालने के बाद बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, मोदी जी की सरकार निरंतरता की पहचान रखने वाली सरकार, विकसित भारत बनाने में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय विशेष योगदान करेगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने संभाला कार्यभार, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री को मिली जिम्मेदारी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संभाला कार्यभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का जिम्मा। दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, फिर से शिक्षा मंत्रालय का मिला जिम्मा। पटना में तेजस्वी यादव का बयान, कहा इस बार नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभर कर आए। केंद्र में किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर बोले तेजस्वी, इन लोगों को मुसलमानों के प्रति घृणा। विभागों के बंटवारे पर तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा 17 महीने तक वो 5 विभाग लेकर भी झुंझुना ही बजाते रहे, इसलिए जनता ने उन्हें झुंझुना थमा दिया। मोदी सरकार में मंत्रालय के बंटवारे पर संजय राउत का हमला, बोले जैसे कैबिनेट का चयन हुआ उससे सब नाखुश, नीतीश और नायडू की मेहरबानी से सरकार बनी और मोदी ने उन्हें ही झुंझुना थमा दिया। शरद पवार को भटकती आत्मा कहने पर संजय राउत का पलटवार, बोले अब केंद्र में अतृप्त आत्मा, मोदी को पीएम पद से हटाए बिना शांत नहीं होगी हमारी आत्मा।